हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है एग्जैक्टली? तो इससे आगे हमने जो भी देखा था कंप्यूटर का आर्किटेक्चर थी कि उसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस हमें दिए गए थे कि जिसके अंदर कोई फंक्शनलिटी वहाँ पे चल रही होगी, जिस तरीके की उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है उस तरीके से। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज मतलब क्या हो जाता है, उस हार्डवेयर को रन करने के लिए या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर के अंदर पहले ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज हम ऐड करते हैं जिसकी मदद से मशीन समझता है कि मुझे इस तरीके की एग्जीक्यूशन वहाँ पे करनी है या फिर प्रोसेस करनी है, तो जिस तरीके की लैंग्वेज हम हार्डवेयर के अंदर डालते हैं, ठीक है, उसे यहाँ पे बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज। मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है और हार्डवेयर उसको समझता है फिर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो वन टाइप ऑफ असेंबली लैंग्वेज मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ता है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो बीच का जो पोर्शन है उसे बोला जाता है यहाँ पे लैंग्वेजेस। ठीक है, जो मशीन समझता है और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन करता है, इंट्रक्शन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज की यूज की जाती है, वो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए भी असेंबलर का यूज करते हैं, पर हम पहले समझ लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम असेंबली के बारे में या फिर उसके डिटेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज मतलब वन टाइप ऑफ कि मशीन को समझाने के लिए, ठीक है, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हो मशीन किस तरीके से समझता है, किस तरीके से कन्वर्ट करता है, उसे यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज बोला जाता है। तो इसका यूज क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो उसके जो थोड़े डिफरेंसेस है वो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो पहले तो क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईच पर्सनल कंप्यूटर हैज अ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का पर्सनल कंप्यूटर है, मतलब आपके पास फोन है या टैबलेट है या फिर पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर है, किसी भी तरीके का आपके पास कोई भी डिवाइस है वन टाइप ऑफ, तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज तो होता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया कि डेट मैनेज द कंप्यूटर्स एरिथमेटिक एंड लॉजिकल एंड कंट्रोल एक्टिविटी। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि कंप्यूटर के अंदर जिस तरीके के भी एरिथमेटिक लॉजिकल और कंट्रोल एक्टिविटी आती है, मतलब जिस तरीके से उसको एक्टिविटी दी जाती है उस हिसाब से वो अपने हिसाब से इन तीनों में से कोई भी डेटा को परफॉर्म या इंस्ट्रक्शन उसको रन करवा देता है। ठीक है, फिर है कि ईच फैमिली ऑफ प्रोसेसर हैज इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग वेरियस ऑपरेशन सच एज गेटिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन एंड परफॉर्मिंग वेरियस अदर जॉब्स। ठीक है, तो जिस तरीके के भी मतलब प्रोसेसर से जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रोसेसर मतलब उसके फैमिली के आसपास जितने भी इंस्ट्रक्ट प्रोसेसर होते हैं, मतलब किसी भी तरीके के छोटे बड़े प्रोसेसर हो या फिर हमारे फोन के अंदर यूज किए जाने वाले प्रोसेसर हो या फिर हमारे लैपटॉप के अंदर या सर्वर के अंदर, तो अलग अलग सर्वर अलग अलग तरीके के प्रोसेसर वहाँ पे यूज होते हैं। मतलब उसके हार्डवेयर पर डिपेंडेंट रहता है कि कौन सा सर्वर कौन सा प्रोसेसर यूज करना है। ठीक है, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रोसेसर अपने हिसाब से उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ठीक है, और हैंडल करने के बाद उसको कहाँ पे दिखाना है, ठीक है, उसके साथ क्या वर्कआउट करवाना है, तो वो सारी चीजें प्रोसेसर डिसाइड करता है। ठीक है, फिर है कि दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी तरीके की कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो प्रोसेसर को, तो उसे यहाँ पे मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या होता है कि वन टाइप ऑफ एक मशीन लैंग्वेज के अंदर असेंबलर के अंदर कन्वर्ट होता है और वो दी जाती है मशीन प्रोसेसर को दी जाता है। ठीक है, तब तक प्रोसेसर को कुछ भी समझ में वहाँ पे नहीं आता। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या लिख देते हैं कि प्रोग्राम के हिसाब से हम कुछ भी वहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, पर क्या होता है कि जब भी हमारे पास प्रोसेसर के पास वो डेटा पहुँचता है तो वो डायरेक्टली वो इंस्ट्रक्शन नहीं होती, उसके पास जो भी वेरिएबल आइडेंटिफायर उसको डिफ्रेंशिएट करता है, पहचानता है कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास आई और कौन सी चीज़ मुझे कहाँ पे भेजनी, ठीक है, और कौन सी प्रोसेस करवा, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद प्रोसेसर के पास जाएगा, मतलब वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो वो किसका काम रहता है कि असेंबली लैंग्वेज का काम रहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर के थ्रू या फिर क्लाइंट के थ्रू दी जाती है, ठीक है, उसको पहले मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके हिसाब से प्रोसेसर वो सारा कुछ डिसाइड
कहता है कि कौन सी ऑपरेशन मुझे करनी है और कौन सी एक्टिविटी उसके पास से करवानी है, ठीक है। तो ये हो जाती है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो मशीन लैंग्वेज क्या क्या समझता है? अब प्रोसेसर मतलब मशीन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, मतलब मशीन के लेवल की जो इंस्ट्रक्शन होती है वही रीड कर सकता है। विच आर स्ट्रिंग ऑफ वन चैनल, जो वन टाइप ऑफ एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती है, 0101010, ठीक है। तो उस हिसाब से उसने सारा कुछ डेटा को कन्वर्ट किया रहता है वहां पे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है साहब, जो भी हमारे पास मशीन लैंग्वेज रहती है वो। However, the machine language is too obscure and complex for using in software development. मतलब आप सभी किसी भी तरीके का कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, मतलब मशीन के लिए कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, हार्डवेयर के लिए, तो वो बनाने के लिए आपको बहुत ही सिक्योर रहना पड़ता है। और पहली बात तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मुझे उस प्रोसेसर के पास से कौन कौन सी फंक्शनलिटी करवानी है, और उसके पास जो भी हम स्ट्रक्चर बनाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाए, मतलब किसी भी तरीके की सिस्टम, किसी भी तरीके की प्रोसेस को हैंडल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से हमें बनाना पड़ता है, तो सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो द लो लेवल असेंबली लैंग्वेज इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक फैमिली ऑफ प्रोसेसर दैट रिप्रेजेंट वेरियस इंस्ट्रक्शन इन सिंबॉलिक कोड एंड मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम असेंबली लैंग्वेज बनाते हैं वो हमें एक कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाना पड़ता है कि मेरे पास किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन आई है तो उसे डिजाइन प्रोसेसर को किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। भाई इस अगर हम फोन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ डेटा को मुझे ओपन करवाना है, भेजना है, क्लिक करने पे कोई भी प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है कि उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो डिवाइस के मुताबिक हमें प्रोसेसर को बनाना पड़ता है, मतलब वो जो प्रोसेसर है वो कितनी कॉम्प्लेक्स बन रही है वो हमें वहाँ पे डिसाइड करना होता है। तो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है वो वन टाइप ऑफ एक कोड के फॉर्मेट में रहती है, सिंबॉलिक कोड, जो मैंने आगे शायद आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शन आती है सिस्टम के पास वो वन टाइप ऑफ एक सिम्बॉलिक कोड और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होना चाहिए कि भाई इस तरीके का डेटा मेरे पास आए तो इस तरीके की ही प्रोसेस वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा आप दूसरे प्रोसेस वहां पे कराओगे तो किस वो हार्डवेयर के अंदर अगर प्रोसेस दी होगी तो वो चलेगा, वरना आपको वहीं पर भी वो प्रोसेस को कैंसिल करवा देगा, मतलब अबॉर्ट करवा देगा, ठीक है। तो वो भी हमने साइकिल देखी थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असेंबली लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है। अब इसके अंदर इसका बेनिफिट क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज, तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी हमारे पास इंटरफेस दिया जाता है प्रोसेसर के हिसाब से और बायस के हिसाब से, ठीक है, और जो भी हमें ओएस दी जाती है तो उसके अंदर वन टाइप ऑफ इंटरफेस रहता है, मतलब डेटा को लाने या ले जाने के लिए वन टाइप ऑफ इंटरफेस मतलब एक माध्यम का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आप किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन वॉइस के थ्रू ले सकते हो और वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है वो प्रोसेसर को पास करने के लिए वहाँ पे एक बीच में माध्यम यूज किया जाता है, उसे यहाँ पे बोला जाता है इंटरफेस, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। फिर एक ही हाउ डेटा इज रिप्रेजेंट इन मेमरी एंड अदर एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब वो प्रोसेसर के हिसाब पे मतलब डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि मुझे किस तरीके का डेटा मेमरी के अंदर दिखाना है और एक्सटर्नल डिवाइस में से डेटा लाना है। मतलब मेरे पास अलग से कोई एक मेमरी कार्ड होगा, फोन होगा तो उसके अंदर मेमरी कार्ड आती है, ठीक है, और अगर आप फोन यूज करें तो उसके अंदर हार्ड डिस्क आ जाती थी, पीसी या लैपटॉप यूज करते तो उसके अंदर हार्ड डिस्क आप यूज करते या फिर मेन मेमोरी का यूज करते, तो वैसे ही डिवाइस के अंदर भी अलग अलग तरीके की प्रोसेस इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि फोन के अंदर इस तरीके का मुझे प्रोसेसर बनाना पड़ेगा, ठीक है, डेटा को मेमोरी में से या एक्सटर्नल डिवाइस में से रीड करने के लिए, और पीसी या लैपटॉप के अंदर भी वैसे ही मुझे डेटा एक्सटर्नल या मेन मेमोरी में से मुझे रीड करवाना है तो मुझे उस तरीके का प्रोसेसर वहां पे रिप्रेजेंट कर, मतलब हर एक डिवाइस के मुताबिक, मतलब आपके पास फोन है तो उसके अंदर एक ही तरीके का प्रोसेसर यूज होगा, मतलब वो फोन कोई भी ले लो आप, ठीक है, मैक ले लो, एंड्रॉइड वाले फोन ले लो, या फिर किसी भी तरह किसी भी ब्रांड के आप फोन ले लोगे तो उसके अंदर एक ही तरीके का प्रोसेसर यूज होता है, ठीक है, और आप लैपटॉप ले गए तो उसके अंदर ही एक ही तरीके का प्रोसेसर होगा क्योंकि उसके अंदर उसकी हाइट बिट फिक्स रहती है, यूनिवर्सली फिक्स रहती है। अगर आप पीसी लेते हो तो उसके अंदर भी जो भी उसका प्रोसेसर रहता है, ठीक है, डिवाइसेस रहती है उसकी भी एक हार्डवेयर सिस्टम फिक्स ही रहती है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे होती है। फिर एक हाउ द प्रोसेसर एक्सेस एंड एग्जीक्यूटिंग है, मतलब किस तरीके से प्रोसेसर है वो डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करना चालू करता है, तो वो चीजें असेंबली लैंग्वेज के अंदर होती है,
फिर एक की हाउ इंस्ट्रक्शन एक्सेस एंड प्रोसेस डेटा, मतलब जो भी उसके इंस्ट्रक्शन मिली है उसके अंदर से कौन कौन से डेटा मुझे मिले हैं, तो उसके साथ किस तरीके से मुझे उसमें से इंस्ट्रक्शन में से डेटा को एक्सेस करना है और उसके साथ किस तरीके से प्रोसेस करना है, तो वो सारा काम असेंबली लैंग्वेज का होता है। फिर एक ही हाउ प्रोग्राम एक्सेस एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब जो अलग तरीके के जैसे यूएसबी है, फोन आप कनेक्ट करते हो ठीक है यूएसबी के थ्रू, या फिर एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट करते हो, पेनड्राइव यूज करते हो, माउस कनेक्ट करवाते हो, तो वो अलग अलग तरीके की डिवाइसेस किस तरीके से आप अटैच करवा सकते हो एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है, तो सारा कुछ असेंबली लैंग्वेज का काम रहता है। फिर एक अदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, इट रिक्वायर लेस मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब जो भी प्रोसेसर रहता है उसकी मदद से आपको क्या हो जाता है कि आपका काम कम हो जाता है और आपकी एग्जीक्यूशन टाइम वहाँ पे लेस हो जाती है, मतलब आपकी मेमोरी भी कम यूज होगी और आपका जो एग्जीक्यूशन मतलब किसी भी तरीके की प्रोसेस को रन करवाने के लिए काम भी कम हो जाएगा। इट अलाउज हार्डवेयर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स जॉब इन इजियर वे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया कि हार्डवेयर के रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्स जॉब सिस्टम के पास आते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से मुझे अलग अलग काम दे देना है ताकि वो सारी प्रोसेस या डिवाइसेस काम करती रहे अपने तरीके से, तो सारा काम असेंबली लैंग्वेज का रहता है, मतलब वो देते जाता है काम हार्डवेयर, उसके पास जितना फ्री पड़ा हुआ है तो उसके हिसाब से वो सारा डेटा रन कर देता है, मतलब उसको वो काम दे देता है भाई तुम्हें इस तरीके का काम करना है, जो भी उसकी प्रोसेस होगी वो प्रोसेसर को वो दे देगा, जो सारा काम असेंबली लैंग्वेज का रहता है। इट इज सुटेबल फॉर रियल, इज सुटेबल फॉर टाइम क्रिटिकल जॉब, मतलब किसी भी तरीके की टाइम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, मतलब इसके इसने टाइम के अंदर इसका काम इतना कम्प्लीट हो जाना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है कि वहाँ पे वो एरर दे देगा, मतलब आपके जो एग्जीक्यूशन चल रहे हैं उसे अबॉर्ट कर देगा या फिर उसको बंद कर देगा, ठीक है, टर्मिनेट कर देगा, तो दो तरीके की टाइम वहाँ पे होती है, मतलब प्रोसेस कोई भी आप दे रहे हो तो वो चल रही है ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स रहता है भाई इतनी ऐसी प्रोसेस आएगी तो इतना ही टाइम उसको देना चाहिए, इससे अगर ज़्यादा दे रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वो प्रोसेस है वो या फिर आपकी जो जॉब है वो टर्मिनेटेड हो जाएगी। फिर है कि इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर राइटिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड द अदर मेमोरी रेसिडेंटल प्रॉब्लम, मतलब अदर तरीके के जो भी प्रोग्राम आप मेमोरी में से दे रहे हो या फिर इंटरप्ट सर्विस है, मतलब किसी भी तरीके की प्रोसेस सिस्टम के पास चल रही है, ठीक है, उसको थोड़ा वेट करवाने के बाद मुझे नई प्रोसेस चालू करवानी है, तो उस तरीके के भी इंटरप्ट में वहाँ पे अपनी तरीके से हार्डवेयर के अंदर डाल सकता हूँ ताकि मुझे जिस तरीके का काम प्रोसेसर के पास चाहिए, मतलब जितनी भी प्रोसेस मुझे चलानी होगी उस तरीके का मैं वर्कआउट उसके पास से ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज के सारे बेनिफिट्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि असेंबली लैंग्वेज एक्जैक्टली क्या क्या करता है, ठीक है। अगर इसके अंदर डिटेल में जाना है इसके और भी ज़्यादा एडवांटेजेस है, पर मैंने जो मेन एडवांटेजेस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो मेन एडवांटेज, बाकी के इसके एडवांटेजेस बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट अभी नहीं किए, वो आप नेट पे जाके भी फाइंड आउट कर सकते हो कि असेंबली लैंग्वेज एडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिक फीचर ऑफ पीसी हार्डवेयर, मतलब पीसी के अंदर जो हार्डवेयर रहता है उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहता है एग्जैक्टली, वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो मेन इंटरनल हार्डवेयर ऑफ पीसी कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर, मतलब इसके अंदर जो भी उसका मेन हार्डवेयर रहता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हमारा हार्ट रहता है वो अगर वो नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, तो वैसे ही सिस्टम के अंदर भी प्रोसेसर नहीं होगा तो वो कभी भी किसी भी तरीके की प्रोसेस को रन नहीं कर सकता, मतलब वो वन टाइप ऑफ प्रोसेसर वो हार्ट है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपका पीसी लैपटॉप किसी भी तरीके की प्रोसेस वो वर्कआउट नहीं करेगी, ठीक है। द मेन इंटरनल हार्डवेयर ऑफ पीसी कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर मेमोरी एंड रजिस्टर, मतलब इन तीनों की वजह से आपके जो मेन हार्डवेयर है पीसी के अंदर, मतलब किसी भी तरीके के सिस्टम के अंदर, इसके ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें होती है वो, प्रोसेसर मेमोरी एंड रजिस्टर। फिर लिखा है कि रजिस्टर आर प्रोसेसर कंपोनेंट दैट होल्ड डेटा एंड एड्रेस, मतलब जो प्रोसेसर रहता है वो, जो रजिस्टर रहता है वो प्रोसेसर का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो ही चीजें होगी मेन, तो एक तो प्रोसेसर और दूसरी मेमोरी, क्योंकि रजिस्टर तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसर के अंदर ही आ जाते हैं, मतलब उस हार्डवेयर के अंदर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रजिस्टर आर प्रोसेसर, मतलब रजिस्टर जो होते हैं वही प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं और उसके एड्रेस को हम लोकेट कर सकते हो कि कौन सा डेटा कौन सी एड्रेस पे एग्जैक्टली रखा हुआ है, ठीक है। तो वो चीजें इसके अंदर हो जाती है। फिर एक टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम द सिस्टम कॉपीज
इट फ्रॉम द एक्सटर्नल डिवाइसेस इनटू द इंटरनल मेमोरी, मतलब जितनी भी सिस्टम के अंदर कॉपी रहती है वो एक्सटर्नल डिवाइस में से इंटरनल मेमोरी के लाने के लिए हमें यहाँ पे हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए मुझे वहाँ पे हार्डवेयर या किसी भी तरीके के इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से मुझे एक तरीके का डेटा मैं दूसरी जगह पे पास कर सकता हूँ और वहाँ पे मुझे जो प्रोसेस मिली है, इंस्ट्रक्शन मिली है, वो यहाँ पे मैं भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए मुझे यहाँ पे हार्डवेयर की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज बिट, मतलब सिस्टम के अंदर प्रोसेसर के अंदर किसी भी तरीके की प्रोसेस या किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो या फिर डेटा होगा तो वो सारा कुछ बिट के फॉर्मेट में पड़ा रहता है, जो इस तरीके से होता है ऑन मतलब वन और ऑफ मतलब जीरो एंड ग्रुप ऑफ एट रिलेटेड बिट, मतलब वो एक बाइट के फॉर्मेट में रहता है 0101, ऐसे हमारे पास 8 बिट रहते हैं जिसके अंदर सारा कैलकुलेशन, उसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा इंस्ट्रक्शन उसको पैकेज या सब पैकेट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी मदद से सिस्टम या प्रोसेसर को वो रीड करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो जितने भी अभी के मॉडर्न कंप्यूटर या सिस्टम बनाए जाते हैं उसके अंदर ये बाइट के फॉर्मेट में ही सारा डेटा रीड आउट या आप राइट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ बिट के रिलेटेड रहता है प्रोसेसर के अंदर। फिर एक जो हमने अभी देखा कि इसके अंदर सारा कुछ बिट के फॉर्मेट में सारा कुछ कन्वर्ट होता है या फिर कैलकुलेशन होता है, सो तो पैरिटी बिट, तो पैरिटी बिट का यूज हो गया, अगर 01010 ने ऐसे मुझे दो वेरिएबल के सम करवाने या फिर एडिशन करवाने तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे दिया गया सो द पैरिटी बिट इज यूज्ड टू मेक अ नंबर ऑफ बिट इन अ बाइट कोड। ठीक है, बाइट के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए पैरिटी बिट का यूज यहाँ पे किया जाता है। इफ द पैरिटी इज इवन द सिस्टम अज्यूम दैट देयर हैड बीन अ पैरिटी एरर, मतलब उसके अंदर कुछ एरर है विच माइट हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू हार्डवेयर फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, मतलब पैरिटी बिट जब भी जनरेट आपका होगा तो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर किसी भी तरीके के हार्डवेयर होते हैं उसके अंदर किसी भी तरीके की एरर जनरेट हुई है, मतलब वो हार्डवेयर अभी आपका वर्कआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके मदद से हमें पता भी चल जाएगा कि किस हार्डवेयर के अंदर हमारी प्रॉब्लम थी। तो ये था बेसिक फीचर्स ऑफ पीसी हार्डवेयर, मतलब किसी भी तरीके के हार्डवेयर के अंदर इतनी चीजें होती है। ठीक है, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और किस तरीके से होता है, किस लैंग्वेज के अंदर या फिर किस स्टोरेज के अंदर हम डेटा को मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर पैरिटी बिट क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर होती है। उसके आगे हम देखने वाले हैं कि बेसिक फीचर ऑफ हार्डवेयर के अंदर ही तो प्रोसेसर होता है वो कितनी कितनी डेटा को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो डेटा साइजेस यहाँ पे दी हुई है कि प्रोसेसर सपोर्ट द फॉलोइंग डेटा टाइप्स, डेटा साइजेस, तो वर्ड होता है उसके अंदर 2 बाइट का डेटा वो रीड आउट करता है एक साथ, फिर डबल वर्ड होते हैं, ठीक है, दो एक साथ दो वर्ड है तो उसके अंदर 4 बाइट मतलब 32 बिट रन होता है। अगर क्वाड 4 वर्ड आपके पास है तो वो क्या करता है कि 8 64, पैराग्राफ आपके पास पूरा है तो 16 बाइट को एक साथ वो रीड करता है। अगर आपके पास किलो बाइट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है तो 1 MB डेटा को रीड कर पाता है, और आपके पास मेगाबाइट है तो 1 एक साथ वो 1 GB से ज्यादा भी बाइट को रीड कर लेता है एक साथ। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा के साइज को डिवाइडेड किया गया है, जिसकी मदद से आपका जो भी डेटा है वो सिस्टम किस तरीके से एक्सेस करेगा और वापस वहां पे किस तरीके से कैलकुलेट करके भेजेगा तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये 32 बिट के अंदर कन्वर्ट हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सारा आपको बिट और बाइट के फॉर्मेट में दिया हुआ है कि प्रोसेसर किस तरीके से डेटा को रीड करता है, वो चीज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम, जो जैसे हमने अभी पढ़ा कि सिस्टम होता है वो ऑलवेज 0101 फॉर्मेट के अंदर, मतलब वो 8 बिट के रिलेटेड डेटा को रीड करता है, पैकेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या कहता है कि किस तरीके से होता है, तो हम तो समझते हैं क्या कि हम सिस्टम को कभी भी डेटा देंगे तो वो 01 ऐसे नहीं देंगे, हम क्या देंगे 15 16 200 100, तो ऐसे डेटा, तो वो सारे नंबर सिस्टम को डिवाइड किया गया है कि मुझे नंबर डेसिमल नंबर को या फिर बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर, तो ये अलग अलग तरीके की नंबर सिस्टम दी गई जिसकी मदद से हमारा जो प्रोसेसर वो रीड करता है कि मेरे पास किस तरीके का डेटा अभी आया है, तो उसके अंदर बाइनरी लैंग्वेज के अंदर डेटा है तो मुझे किस तरीके से उसका आउटपुट देना है, तो वो सारी चीजें वहां पे डिसाइडेड पहले से ही होती है। ठीक है, तो उसके लिए नंबर सिस्टम आपको दिया गया है।
जो समथिंग आप इलेक्ट्रिक या किसी भी तरीके के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर ज्यादा डिटेल में समझना रहता है। यहाँ पे हमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, सिस्टम के अंदर किस तरीके से डेटा रीड करता है, तो वो चीज यहाँ पे दिखाई गई जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एवरी नंबर सिस्टम यूज पोजिशनल नोटेशन, मतलब जो भी डेटा रहता है सिस्टम के अंदर उसके अंदर एक पोजिशन फिक्स होती है कि इसी पोजिशन पे इस तरीके का डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा। इच पोजिशन इन विच अ डिजिट इज राइट इन हैज अ डिफरेंट पोजिशन, मतलब हर एक तरीके के डिजिट के हर एक पोजिशन अलग अलग होते। इच पोजिशन इज अ पावर ऑफ बेस, मतलब उसके जो डेटा रहता है उसको बेस फॉर्मेट में दिया गया है कि 2K फॉर्मेट, मतलब 0101 में मुझे किसी भी नंबर डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए मुझे उसको दो नंबर से डिवाइड किया करना पड़ता है, जिसकी मदद से उसका जो 0101 है बाइनरी नंबर है उसको मुझे वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। तो उसकी यहाँ पे आपको कन्वर्जेशन भी दिखाई गई और यहाँ पे दी गई द फॉलोइंग टेबल शो द पोजिशनल वैल्यू फॉर 8-bit बाइनरी नंबर, मतलब 8-bit के लिए वो किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको नंबर दिया गया बिट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया उसकी पावर दी गई है कि किस तरीके से उसको आप डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 8-bit हो रहे हैं। ठीक है, ये बिट के नंबर थे, 0 से और राइट साइड से और वे चालू होते हैं, कहाँ से होते हैं राइट साइड से, इस साइड से। तो यहाँ पे 0 1 2 3 और आपके पास कोई भी नंबर रहता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 15 है, तो यहाँ पे 15 मतलब क्या हो जाएगा कि 8 4 ये 12 हो गए, 13 14 और 15, मतलब 1 1 1 1, बाकी की जो चीजें रहती है यहाँ पे 0 0 0 0, तो ये 4 0 रह गए और 4 यहाँ पे 1 रह गए, तब मुझे मिलेगा 15 15। ठीक है, तो इन सब का मुझे सम करवाना पड़ता है ताकि मुझे जो भी नंबर मैंने डेसिमल में दिया वो मुझे बाइनरी के अंदर ऐसे 0 1 0 फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये बिट की वैल्यू हो गई, उसकी पोजीशन हो गई, ये बिट का नंबर हो गया। ठीक है, अगर आपके पास एक और बाइट है तो यहाँ पे 8 9 10 11 12 30 48 16 15 तक होता है, मतलब 0 से 15 मतलब 16 बाइट, मतलब आपके पास 2 बाइट हो गए। ठीक है, तो ये भी फिक्स होता है इसके अंदर कि कितना डेटा मुझे एग्जैक्टली रीड आउट करना है, तो वही चीज यहाँ पे आपको दी गई। देखो वर्ड होगा तो एक साथ 2 बाइट वो रीड करेगा, मतलब 2 बाइट के डेटा को एक साथ एक्सेप्ट करेगा, मतलब आपके पास डबल वर्ड है, मतलब आपके पास कभी भी एक से ज्यादा वर्ड है तो वो 4 बाइट एक्सेप्ट करेगा, बहुत ज्यादा डेटा आपके पास तो 8 जब मेगाबाइट के अंदर है तो 1 GB तरीके का भी डेटा एक साथ वो उठा सकता है, उसको रीड आउट करना चालू कर देता है। फिर आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर, तो मुझे हेक्साडेसिमल नंबर का यूज क्यों किया जाता है कि यहाँ पे देखो आपके पास 15 है तो 0 जैसे आपके 8-bit बनेंगे, पर वो हेक्साडेसिमल के अंदर रखोगे तो आपके पास क्या बनता है, सिर्फ 8 ही बनता है। ठीक है, ओके, 15 के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखो 1 1 1 1 1 1 दिया, तो इसके लिए एफ ही बनेगा। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल का भी यहाँ पे एक नंबर सिस्टम दिया गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज बेस 16, तो बाइनरी के अंदर बेस 2 था क्योंकि 0 और 1 दो ही वैल्यू थी इसके अंदर। ठीक है, और हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास टोटल 16 वैल्यू है, 0 1 2 3 अप टू 9 तक, और उसके बाद कैरेक्टर भी दिए गए ए बी सी डी ई और एफ तक, ये यूनिवर्सली फिक्स रहता है, इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो हार्डवेयर के अंदर पहले से ही दिया गया। तो डिजिट इन द सिस्टम रेंज फ्रॉम 0 to 15, मतलब 0 से 15 तक रहती है, मतलब 0 to 9 और उसके बाद ए बी सी डी, मतलब ये जो वर्ड मिला के सारा कुछ हमारा 16 हो रहा है। By convention, the letter A through F is used to present the hexadecimal digit corresponding to decimal value 10 to 15. मतलब 10 से 15 ले देंगे, देंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे 15 देना है, तो 15 के लिए वो नंबर क्या लेगा, F लेगा, 13 के लिए D लेगा, मतलब वो नंबर है वो कम होता जाएगा, मतलब इतने सारे डिजिट मुझे अगर 10 है तो उसके बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 1010 लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे हेक्साडेसिमल में सिर्फ क्या लिखना है, एक ही कैरेक्टर लिखा है, तो ये बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। ठीक है, फिर बाइनरी के अंदर किस तरीके से कन्वर्जेशन होता है तो वही यहाँ पे देखा, 0 + 0 तो यहाँ पे क्या होता है 0 हो गया, 1 + 0 तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 + 1 तो 2 होना चाहिए, पर बाइनरी के अंदर एग्जैक्टली होता है कि 1 + 1 मतलब ये क्या हो जाता है कि 0 और ऊपर एक पैरिटी पास कर देता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 11 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 1
11 के लिए। तो इस तरीके से सारी कन्वर्जेशन यहाँ पे दी जाती है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल कंप्यूटर के अंदर और अच्छे से ज्यादा समझ में आएगी, या फिर इसके अंदर आपको और भी डिटेल में जाना है तो आप नेट पे भी जा सकते हो और वहां पर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाइनरी एडिशन क्या होती है। अब डेसिमल के अंदर हम एडिशन किस तरीके से करवाते हैं, बाइनरी के अंदर किस तरीके से एडिशन करवाते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 60 और 42, तो 102 हो रहा है। तो डेसिमल में तो समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, पर सिस्टम को समझाने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा कि बाइनरी के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाता है कि यहाँ पे 1, 2, 4, 8, फिर 16 और यहाँ पे 32, तो 32 प्लस 16 तो 48 हो गया, 48 प्लस 8 तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 32 प्लस 16 तो 48 प्लस 8 तो 54 और यहाँ पे 2, 60 हो गया। ठीक है, तो अब 60 और यहाँ पे क्या हो रहा है 42, तो इन दोनों का सम मेरे पास 0 प्लस 0 तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 प्लस 1 तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे कि 1, 1 तो यहाँ पे 0 और 1 ऊपर चला गया, वापस 1, 1 मतलब 0 वापस ऊपर चला गया, 1, 1, 1 मतलब 1, यहाँ पर भी 1 और ऊपर भी यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरीके से सारी कैलकुलेशन दी जाए। और माइनस में होगा तो क्या करना पड़ेगा, वो कि यहाँ पे जो पैरिटी वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लग के शिफ्ट रेट करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे उसका बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, माइनस करने के लिए। तो ये चीजें इसके अंदर होती है। और ज्यादा आपको समझना है तो इसके अंदर आपको नहीं दिया गया, समथिंग डिजिटल कंप्यूटर है उसके अंदर आप चाहोगे तो उसके अंदर भी आपको बाइनरी या किसी भी तरीके के एरिथमेटिक सिस्टम इजिली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेंबली लैंग्वेज किस तरीके से यूज होता है। और लास्ट में यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, ठीक है, किस तरीके से वर्कआउट, उसके जो बेनिफिट है वो आपको देने हैं, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस वहां पे हो जाएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, उसके बेनिफिट, ठीक है, तो वो सारी चीजें आज के लेक्चर के अंदर हमने देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले कि असेंबलर क्या होता है। असेंबलर मतलब क्या हो जाता है कि जो भी लैंग्वेज वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होती है, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।